हव्यासरी न्यूज समय नूपुर कहते हैं, कोई भी शब्द अगर अपनी जुबान से निकालते हैं तो सोच समझ करके निकालिए। कभी भी बगैर सोचे समझे उस बात की प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए। अगर उस बात की प्रस्तुति हो और किसी के कानों से अगर ये शब्द गुजर जाए या फिर वो आपको देख ले कि आपका टेट किधर जा रहा है, आपके कदम किधर जा रहे हैं, वहीं पे बातों का पतंगा होना शुरू हो जाता है और इतना ज्यादा उफान भरता है कि अपने भारत से होते हुए ये विदेश तक पहुंच जाता है और मामला उलझता हुआ चला जाता है और उलझते हुए कितना नुकसान होता है अपने भारत वर्ष के समय का और भारत वर्ष में जितने भी लोग हैं उनके दिमाग का, यानी दिमाग उस पचड़े में पड़ जाता है तो इंसान विकास क्या करे। हम बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय जी का, चंद्रशेखर जी, जिन्होंने रामायण ग्रंथ से कुछ बातों को पटल पे लाया, यानी के लोगों के सामने उस बातों को रख दी और वो बात वायरल हो गई और वायरल होने तक आज तक आप देख लीजिए उस पर विवाद का विषय बन चुका है और उस पर अयोध्या के एक संत ने कह दिया कि जो भी उनका जीप काट देगा उनको हम 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे और इस तरह 10 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा हो गई। कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूँ जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीवा काटेगा। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये बात अलग है कि चंद्रशेखर जी ने क्या कहा नहीं कहा उस बात की पुष्टि हो और उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि वायरल वीडियो आधे अधूरे दिखाए गए हो, उसके आगे भी उन्होंने कुछ बोला हो जिस बात को दबा दी गई हो। पहले उस चीजों को देखिए कि उन्होंने आके कहा क्या, उनके कहने का व्यू क्या है। दूसरी चीज, चलिए वो तो आम इंसान है, एक शिक्षा मंत्री है, आम भी नहीं है, खांसी है लेकिन शिक्षा मंत्री है, लेकिन एक संत तो इंसान आम इंसान से कई ज्यादा महान होते हैं। एक आम आदमी और एक संत में क्या खूबी है? चूंकि एक संत तभी संत हो जाते हैं जो संत किसी पे कटाक्ष नहीं करते हैं, वो भगवान के पुजारी हैं, भगवान के सामने हैं और भगवान के बाद अगर कोई किसी के पास जाता है अपने समस्या का समाधान करवाने के लिए तो वो होते हैं संत, वो भी अयोध्या के संत। वो 10 करोड़ रुपया किसी को कैसे दे सकते हैं? ये तो सुपारी की टाइप की हुई कि आप उनका जीप काट करके दे दो तो हम 10 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। अब ये देखिए 10 करोड़ कोई आम पैसे नहीं है, बहुत खास पैसा, एक मुश्त जिसको कमाने में लोग के बरसों बरस लग जाते हैं, फिर भी एक आम इंसान करोड़ रुपया नहीं कमा पाता है, 10 करोड़ तो दूर की बात है। ऐसे में क्या कोई नहीं सोचेगा चलो शिक्षा मंत्री का जीप काट करके ले आते हैं, 10 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएगा। तो संत जी जो है वो आखिर 10 करोड़ रुपए कहाँ से ला करके किसी को देंगे? इस देश का पैसा, इस देश का आखिर 10 करोड़ रुपया उसे दे दिया जाए जो किसी की हत्या, इसे तो जीव हत्या ही कहेंगे ना, किसी के जीव को काट लेना ये तो सरासर बेईमानी है। हाँ, अगर शिक्षा मंत्री ने कुछ गलत बोला तो है, पनिशमेंट है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, सब कुछ है। आप संत है, आप न्यायालय नहीं बन गए हैं, आप कोर्ट के उस ऊंची कुर्सी पर नहीं पहुंच गए हैं, आप जज नहीं है कि जजमेंट एक मिनट में दे दिया कि आप 10 करोड़ रुपया देंगे उसका जीप काट करके कोई भी ले आए। तो ये विवादित चीज होना ही नहीं चाहिए। और इसी विवाद से जुड़ी हुई मैं चीज आपको बताने जा रही हूँ कि कहा गया है, यानी तुलसीदास जी ने कहा था या लिखा है, ढोल कवार सूत्र पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी। अब इसमें जरा गौर कीजिए, ये तारण, महिलाओं को तारण का मतलब होता है मारना पीटना मरम्मत करना, क्योंकि ढोल को बेगर पीटे ढोल की मरम्मत नहीं होती है, वो तान नहीं दे पाएगा, वो सूप नहीं दे पाएगा, इसलिए उसे पीटना जरूरी है। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये है तारण के अधिकारी। इसमें महिलाएं जो है क्या वो तारण की अधिकारी होती है? तारण का मतलब होता है उसे मरम्मत कर करके उसे चलाना। अभी हम देवी माँ की बात करेंगे जिसकी सभी लोग पूजा करते हैं, तो ये संत महोदय जो हैं उनकी दृष्टि कभी नहीं गई कि महिलाओं को आखिरकार तुलसीदास जी ने ये शब्द को क्यों लिखा। आज जो भी हमारी एक आधी आबादी है भारतवर्ष की, आधी आबादी हम हैं, तो आधी सत्ता भी हमारी है, सब कुछ की आधे के हकदार हम हैं। उसके बावजूद भी अभी मैं बता दूं कि अभी भारतवर्ष की एक लेखिका ने
बहुत सारे राइटरों पे केस कर दिया था पिछले कई दशक पहले की, एक दो दशक पहले की अगर हम बात करें तो आप तक ये हम पहुंचाना चाहेंगे कि वो राइटर ने इस चीजों को बखूबी अध्ययन करने के बाद और उस पे केस कर दी थी और ये कह दी थी कि आप कैसे कह सकते हैं किसी महिलाओं के लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल आप करते रहे हैं बरसों से, कई सदियों से, क्या महिलाएं उसकी भागीदारी हैं? फिर भी महिलाएं आज खामोश हैं, क्योंकि महिलाएं नहीं चाहती है विवाद करना। आप कहते हैं ना, आसमानों पे थूक अगर फेंक देंगे तो आसमान तक थूक नहीं पहुंचेगा, तो उसी तरह चेहरे पर ही उलट कर पड़ता है। उनमें से एक महिला है कि महिलाएं विवादों में कभी न पड़ी और पढ़ना भी नहीं चाहती है। चलो भैया, आपको जो कहना है कह दीजिए महिलाओं को, हम जहाँ है वही रहेंगे, क्योंकि आधी आबादी हम है, आधा सब कुछ हम है। अभी हम लोगों को यानी महिलाओं को 50% नहीं मिला था, एक दिन आया जब हमें 50% मिल गया। तो ऊपर वाले हैं, देने वाले ऊपर वाले हैं, नीचे वाले जो हैं वो दाता तो है नहीं कि आप उठाकर किसी को दे देंगे। हाँ, किसी को कमजोर पाकर आप सताएंगे जरूर, क्योंकि कहते हैं ना कि यही चीजें किसी राइटर ने लिखा था, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उस राइटर को भी कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए कि वो क्या समझ रहे हैं कि महिला के आंचल में सिर्फ दूध है और आंखों में पानी? बिल्कुल नहीं। पानी जो होती है सिर्फ दुख का नहीं होता है, खुशी की भी पानी होती है, क्योंकि आंचल में अगर दूध है तो उस चीजों को हम आपको पोषित करें जिसमें एक संत पैदा लेते हैं, एक वैज्ञानिक पैदा लेते हैं, तभी आप यहां से चांद तक का सफर करके कह पाते हैं हम चांद पे पहुंच चुके हैं। चांद पर क्या यूं ही पहुंच गए? महिला ने आपको जन्म दिया है और महिलाओं ने आपको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, तब दौड़ते दौड़ते एक दिन ऐसा आया कि आप चांद पे पहुंच गए। लेकिन आज हम हैं कि कुछ कहते नहीं, खामोश थे, खामोश हैं और खामोश ही रहेंगे। लेकिन ये याद रखिए, जीत हमारी है और हमारी ही रहेगी, क्योंकि हर घर में आधी आबादी तो महिलाओं की है और आधी आबादी पुरुषों की है। तो क्या कहाँ तक ये उचित है कि शिक्षा मंत्री जी को ये कहा जाए कि जीप काट के लाओ तो हम 10 करोड़ रुपए दे देंगे? इस चीजों को आज महिलाएं भी अवॉइड करती हैं, बिल्कुल नहीं। एक शिक्षा मंत्री के लिए ये चीजें, ये कहना, जीप काट देना, ये हत्या की चीजें हैं। कभी भी एक संत को इस तरह की चीजों की प्रस्तुति, ऐसे शब्दों की प्रस्तुति नहीं करनी चाहिए, उसके लिए कोर्ट है। अच्छा होता संत महोदय उस बातों को कोर्ट में पेशी कर देते। ये तो वही बात हो गया कि थाने में किसी की खबर हम दिए नहीं और यहीं पे अपना फैसला कर दिए। तो बाबा, थाना किस लिए बना है, कोर्ट किस लिए बना है, कचहरी, सब चीजें किस लिए बनी है? न्यायालय है, ऊपर दस्तक दीजिए और उसके बाद अगर आपको किसी बातों से चोट पहुंचा है तो उसके लिए कानून है, हमारी पुलिस है, वो इंक्वायरी करेगी और थाने में दे दीजिए उस चीजों का आप जवाब, केस कर दीजिए, सब कुछ प्रक्रिया कीजिए। लेकिन ये कभी भी एक आम आदमी या खास आदमी की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम ये चीज कह दें कि फलाना ने ये कहा तो फलाना करके लाओ हम 10 करोड़ दे देते हैं, 20 करोड़ दे देते हैं, 50 करोड़ दे देते हैं या 1 करोड़ भी दे देते हैं। तो उसमें आज देख रहे हैं कि महंगाई के जमाने में कौन नहीं, अगर आज शिक्षा मंत्री के को कोई छूता भी है तो वो सबसे ज्यादा किन पे ये पड़ जाएगा? उसी संत महोदय पे पड़ जाएगा, क्योंकि संत महोदय ने ऐसा कहा, अगर कुछ भी उनको टच होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी, जुर्माना कौन भरेगा? क्या संत महोदय जुर्माना भरेंगे? तो वो संत के लिए भी वो बातें आती है और भगवान सिर्फ संतों की नहीं है। किसने कह दिया कि भगवान सिर्फ संतों के हैं? भगवान जो है वो आम आदमी के हैं। इस दुनिया में जो भी हैं सभी लोग अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करते हैं। आप संत से नहीं चलता है मंदिर, आम पब्लिक से चलता है ये मंदिर। तो कृपया करके ये बात किसी संत को दोहराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर के पट कुछ मुट्ठी भर संत अगर रह जाए, आम पब्लिक मंदिर में जाए ही नहीं, तो फिर कहाँ से आएंगे आपके पास 10 करोड़ रुपए? यहाँ तो करोड़ों करोड़ देने वाले आम जनता है जो 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपया, 1-2 लाख रुपए देते हैं उस चीजों को इकट्ठा करके। क्या आप शिक्षा मंत्री, जहाँ से बच्चे शिक्षा लेकर के, एक शिक्षा मंत्री है जो भी वो कितना पढ़े लिखे मैं नहीं जानती, लेकिन शिक्षा मंत्री बन चुके हैं तो क्या उनकी गरिमा नहीं है? और उनके लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि उनकी जीप काट के लाओ हम 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हैं? बिल्कुल अशोभनीय लगा। इसलिए संत महोदय से हम हाथ जोड़ करके भी विनती करेंगे कि कृपया कर आप संत ही बन गए हैं, चूँकि भगवान के बहुत करीब है आप, तो कम से कम भगवान की वाणी भी कम से कम याद कीजिए। और कहा जाता है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। क्या संत जी ये शब्दों को इस्तेमाल करके शीतल हो पाए होंगे? मेरे ख्याल से नहीं।
हम तो शीतल हैं ये सुन करके भी कि ढोल कबाड़ सूत्र पशु नारी ये सब है तारम के अधिकारी, जिसकी जितनी मुंह उतनी बातें लोग बोलते हैं, लेकिन हम तो फिर भी अपने पुरुष भाइयों को कुछ भी कटाक्ष नहीं करेंगे। पुरुष है तो महिला है तो पुरुष है, और उसी पुरुष में एक राजा राम मोहन राय जी थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, और ऐसे भाई को हम पूजते हैं और ऐसे भाई को ही हम संत मानते हैं, और आज उम्मीद करते हैं कि अपने भारत वर्ष में हर घर में राजा राम मोहन राय जरूर पैदा हों, और जरूर नहीं भी पैदा हैं तो अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए, फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत सच में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो जाएगा।